नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। किसानों और सरकार के बीच दसवें दौर की बातचीत जारी है। बैठक में किसानों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि हम तीनों बिलों की वापसी चाहते हैं, इससे कम हमको मंजूर नहीं है। वहीं सरकार संशोधन पर अड़ी हुई है। किसानों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पिछले बयानों का जिक्र करते हुए कहा है कि आपने कई बार संसद में और बाहर भी ये कहा कि कृषि स्टेट सब्जेक्ट है, तो आप लोग इसमें क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसके अलावा किसानों ने कहा कि सरकार NIA का इस्तेमाल कर प्रदर्शन और समर्थन करने वाले लोगों को टारगेट कर रही है। वहीं सरकार ने जवाब दिया कि अगर कोई निर्दोष है तो उनकी लिस्ट दें। आज सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी को लेकर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की ओर से याचिका दायर की गई, जिसमें सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SA बोबड़े ने कमेटी पर सवाल उठाने वाले लोगों को जमकर रताड़ा। दायर याचिका में मांग की गई थी कि कमेटी में शामिल लोगों को हटाया जाए, जिसके बाद CJI बोबड़े ने कहा कि आप इस निष्कर्ष पर कैसे आ गए, आपको कमेटी के समक्ष पेश नहीं होना मत होइए, लेकिन किसी को इस तरह ब्रांड ना करें। CJI ने कहा कि पब्लिक ओपिनियन को लेकर अगर आप किसी की छवि को खराब करेंगे तो कोर्ट सहन नहीं करेगा। कोर्ट में शामिल लोग कृषि के क्षेत्र के जाने माने और प्रतिभाशाली लोग हैं, वे विशेषज्ञ हैं। आप उनकी छवि केवल इसलिए खराब नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कृषि कानूनों पर अपने विचार रखे हैं। सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक समिति नियुक्त करता है और आप समिति के लोगों की प्रतिष्ठा को छिन्न भिन्न कर देते हैं। CJI ने कहा कि कमेटी को हमने फैसला करने का अधिकार नहीं दिया है, तो फिर पक्षपात की बात कैसे हुई? आप बिना सोचे समझे बयान देते हैं, किसी ने कुछ कहा तो वह अयोग्य हो गया। भूपिंदर मान ने कानूनों को संशोधित करने के लिए कहा था, आप कह रहे हैं कि वो कानूनों के समर्थन में है। आप इस तरह के लोगों को ब्रांड नहीं कर सकते। लोगों की राय होनी चाहिए, यहाँ तक कि सबसे अच्छे न्यायाधीशों की भी कुछ राय होती है, जबकि वो दूसरी तरफ निर्णय भी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर कहा कि किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर फैसला दिल्ली पुलिस ही करे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमने बताया है, ये पुलिस को तय करना है, हम आदेश पारित नहीं कर सकते हैं। हम आपको इस एप्लीकेशन को वापस लेने की अनुमति देंगे, आप अथॉरिटी हैं, आप ही आदेश जारी करें। इसके बाद सरकार के वकील ने कहा कि आप एप्लीकेशन को पेंडिंग रखेंगे। इस पर CJI ने कहा कि नहीं, हम इसको पेंडिंग नहीं रखने वाले हैं, इसको लेकर कोर्ट का काम नहीं है फैसला करना, इसके लिए आपके पास पावर है। किसानों को एक और BJP नेता ने खालिस्तानी बता दिया है। अब राजस्थान के दौसा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद जसकौर मीणा ने किसानों की तुलना खालिस्तानियों से की है। किसान आंदोलन को लेकर BJP सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युग पुरुष हैं जो देश को बदलना चाहते हैं और कृषि कानून इसी ओर एक कदम है। किसान आंदोलन को लेकर जसकौर मीणा बोली कि किसान आंदोलन में आतंकी AK-47 लेकर बैठे हैं, जो वहां बैठे हैं वो खालिस्तानी हैं। उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधान परिषद चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले सदन में मरम्मत और सौंदर्यीकरण का काम करवाया गया है। इस दौरान विधान परिषद में स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो में सावरकर की तस्वीर भी शामिल की गई है, जिसको लेकर विवाद हो गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विधान परिषद अध्यक्ष रमेश यादव को चिट्ठी लिखी है और तस्वीर को हटाने की मांग की है। कांग्रेस के MLC दीपक सिंह ने चिट्ठी में मांग की है कि सावरकर की तस्वीर तत्काल विधान परिषद से हटाई जाए। उन्होंने लिखा, सावरकर ने खुद को बचाने के लिए अंग्रेजों से माफी तक मांगी थी। सावरकर भी जिन्ना की भाषा बोलते थे और उन्होंने भी जिन्ना की तरह दो राष्ट्र की बात कही थी। रिपब्लिक भारत के एडिटर अर्नब गोस्वामी से जुड़े चैट लीक केस में देश के पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी ने कहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़ी गोपनीय बातों को लीक करना राजद्रोह है। इसमें जो लोग भी शामिल हैं उन्हें दंड जरूर मिलना चाहिए। पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी और बहुत संवेदनशील जानकारी कुछ ऐसे लोगों के पास थी जिनके पास नहीं होनी चाहिए। शहीद जवानों के बारे में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया उससे मैं बहुत दुखी हूं। पूर्व रक्षा मंत्री ने सवाल किया, सरकार में शीर्ष पदों पर बैठे सिर्फ 4-5 लोगों को इस तरह के अभियान के बारे में पता होता है, ऐसे में बालाकोट एयर स्ट्राइक से कुछ दिनों पहले एक पत्रकार को इस बारे में कैसे पता चला। कांग्रेस असम विधानसभा चुनाव में 5 दलों के साथ गठबंधन करके उतरेगी। असम की कांग्रेस इकाई ने मंगलवार को कहा कि वह कुछ महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव में 5 दलों के साथ गठबंधन करके उतरेगी ताकि BJP को सत्ता से बाहर किया जा सके। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने कहा कि कई दलों के साथ बातचीत के बाद यह फैसला किया गया है कि कांग्रेस इस चुनाव में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, भाकपा, माकपा, भाकपा माले और आंचलिक गण मोर्चा के साथ गठबंधन करेगी।
भारत में एक दिन में 13,823 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 162 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश भर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,05,95,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,52,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,97,000 हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद छोड़ने से पहले अपने पुराने सहयोगी रहे स्टीव बैनन की दया याचिका स्वीकार कर ली है। राष्ट्रपति के तौर पर काम के अपने आखिरी घंटों में उन्होंने 73 से अधिक लोगों की दया याचिका स्वीकार की है, जबकि 70 और लोगों की सजा कम करने का फैसला किया है। 2016 के राष्ट्रपति पद के चुनाव अभियान के दौरान स्टीव बैनन ट्रंप के महत्वपूर्ण सलाहकारों में से एक थे। बीते साल अमेरिका मैक्सिको के बीच दीवार बनाने के लिए उन्हें फंड इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने 3 और लोगों के साथ मिलकर वी बिल्ड द वॉल अभियान के तहत हजारों दानदाताओं को धोखा दिया। इस अभियान के तहत $250,00,000 एकत्र किए गए थे। बैनन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने पर्सनल खर्च के तौर पर कम से कम $10,00,000 खर्च किए। नए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह से कुछ घंटे पहले ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने उनसे 2015 के ईरान परमाणु समझौते पर लौटने की अपील की है और कहा है कि वो ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध हटाएं। कैबिनेट की एक अहम बैठक में राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि नए अमेरिकी राष्ट्रपति को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का सम्मान करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो ईरान भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन आज शपथ ग्रहण करेंगे। बाइडेन शपथ लेने के बाद पहले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप का मुस्लिम ट्रैवल बैन खत्म करेंगे। वो सीमा पर दीवार का काम भी रोकेंगे। वहीं शपथ ग्रहण से पहले राजधानी को किले में तब्दील कर दिया गया है। वॉशिंगटन शहर में करीब 25,000 सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। कैपिटल हिल पर हुई घटना को देखते हुए अमेरिकी प्रशासन ने इतनी सावधानी बरती है। अलीबाबा कंपनी के संस्थापक जैक मा कई महीनों के बाद मीडिया के सामने आए हैं। बीते साल नवंबर की शुरुआत से उन्हें सार्वजनिक तौर पर देखा नहीं गया था। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि कहीं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं लिया है, लेकिन अब अपने चैरिटी फाउंडेशन के एक अभियान के लिए उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों से बात की है। अलीबाबा कंपनी शुरू करने से पहले जैक मा खुद अंग्रेजी भाषा के शिक्षक रह चुके हैं। चीनी सरकार समर्थित मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।